आगे बढ़े, ये हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है। अगला प्रश्न सुमित गोदारा, प्रश्न संख्या 176। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक कमर्सेन लिफ्ट परियोजना पर निम्नलिखित चार स्थान पर पंपिंग स्टेशन है। एक राजिया सर, दो मलकी सर, तीन खारा, चार हुसन सर। खंड दो, राजिया सर पंपिंग स्टेशन पर कुल 10 पंपिंग यूनिट हैं। नंबर दो, मलसी सर पंपिंग स्टेशन पर कुल 8 पंपिंग स्टेशन हैं। नंबर तीन, खारा पंपिंग स्टेशन पर 6 पंपिंग यूनिट हैं। चार, हुसन सर पंपिंग स्टेशन पर 5 पंपिंग यूनिट है। उपरोक्त सभी पंपिंग स्टेशनों में मोटर पंपों की स्थापना तिथि दर्शाते हुए सूची परिशिष्ट अपर संलग्न है। खंड थी, मोटर पंप यांत्रिक मशीनें हैं जिनके पुराने होने पर व निरंतर चलने के कारण इनमें खराबी आने व उपलब्ध संसाधनों से आवश्यकता अनुसार तकनीकी खराबी को दुरुस्त किया जाता है। यांत्रिक उपकरणों की खराबी तथा विद्युत आपूर्ति में होने वाली व्यवधानों से पानी की पंपिंग बाधित होती है। वर्ष 2021-22 में कमर्सेन लिफ्ट नहर में मशीनरी और साज सामान, औजार और संयंत्र बजट पर कुल 656 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें पंप मोटरों की मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। खंड चार, एस्को मॉडल के आधार पर पंपिंग स्टेशनों के रख रखाव व संचालन हेतु निविदा प्रपत्र तैयार किया गया है, जिसमें विद्युत खर्च में बचत कर संवेदक उक्त पंपिंग स्टेशनों का संचालन एवं रख रखाव करेगा। निविदा प्रपत्र को अन्य राज्यों से इस प्रणाली की तुलना से कर अंतिम रूप दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि जब आप खुद ही जवाब दे रहे हैं कि मोटर पंप पुरानी है, तकनीकी खराबी होने के कारण पानी की सप्लाई बाधित होती है, और आप जवाब देखिए कि मोटर और पंप है ज़्यादातर 1975-76 के लगे, जब हम जन्मे तब के मोटर पंप काम कर रहे हैं, तब की टेक्नोलॉजी बदल चुकी, समय बदल चुका, और आपका विभाग खुद मानता है कि 15% पानी का लॉसेज इसकी वजह से नहर में किसानों को नहीं मिल पा रहा है और पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है। तो वो जो सारे पंप गड़े हुए हैं, जो आपके जंग लग चुके हैं, क्या आप उनको बदलने का विचार रखते हैं इसी साल में? ये जवाब दीजिए कि आप मोटर पंप सारे नए लगाने का विचार रखते हैं। और दूसरा मेरा प्रश्न ये कि जो आप एस्को मॉडल एनर्जी सेविंग कंपनी के द्वारा ये प्रस्ताव 2 साल से मुख्यमंत्री कार्यालय पे पड़ा है कि प्राइवेट कंपनी संवेदक वो खुद कह रहा है कि जो इसका बिजली का बिल साल का 40 करोड़ का आता है, वो 35-36 करोड़ में सारे नए मोटर पंप लगाकर और लाइट 24 घंटे दे, इससे किसानों को सुविधा मिले। मेरा ये है कि आप एस्को मॉडल को इम्प्लीमेंट करोगे, जो टेंडर आपने पहले कॉल किया उसको कैंसिल किया, या दूसरा प्रश्न ये कि सारे नए मोटर पंप लगाकर आपने किसान हितैषी होने की जो बात करते हो वो साक्षात करोगे? किसान हितैषी तो हैं और बात भी करेंगे, क्योंकि किसान हैं, लेकिन जहां तक पंपों को बदलने का काम है, अभी तक कभी पंप ज्यादा खराब हुए नहीं है, और 6 करोड़ का प्रावधान इस साल कर दिया है, जब भी मोटर खराब होगी तुरंत बदल दी जाएगी, और उस मॉडल पर काम किया जा रहा है जो PHED में जो मॉडल है उसके आधार पर विवेचन किया जा रहा है, और अन्य राज्यों से भी तुलना करके उसको भी लागू किया जाएगा, लेकिन पानी बाधित नहीं होने दिया जाएगा। अगला प्रश्न जगसी राम, 177। अध्यक्ष महोदय, खंड एक जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार